रीट का जो पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, कितने सबूत चाहिए सरकार को? रोज एसओजी अपनी तरफ से बात रख रही है। आप लोग ध्यान करें, पहले आप लोगों को एक केंद्र बनाया गया बत्तीलाल को, बत्तीलाल को बनाया गया, लेकिन उन लोगों को बचा दिया जो डूंगरपुर में थे या एसआई के लिए बीकानेर में थे, उन लोगों को चुप करा दिया गया। एसओजी को जांच सौंप दी गई। क्या एसओजी की भी जांच होती है क्या कि एसओजी सही रास्ते पे चल रही है? हो सकता है सही रास्ते पे हो, लेकिन जिस प्रकार से लाइब्रेरियन भर्ती पे सवाल उठे, सर रीट की पटवारी एग्जाम तो आउट होगा फिर तो, अरे पटवारी का ये जरूरी नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं होती है। रीट की ही जांच होनी चाहिए, स्पष्ट तौर से युवा मांग कर रहा है। कई लोग कथित रूप से नेता बन जाते हैं, इन पे चर्चा बाद में करेंगे। देखो रीट पेपर लीक का मुद्दा चुप कराने की कोशिश की जा रही है। कल एक एपी पेपर आउट प्रकरण का हाथ है, इस पर एक पोस्ट की थी संज्ञान ले। अच्छा लंकेश जी, कौन सी ऐप है पेपर आउट का करते हैं इस पे? देखो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझे पहले। दोस्तों तीन प्रकार की बातें निकली। पहली बात कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, फिर आउट हुआ भजनलाल बत्तीलाल, इस प्रकार के नाम निकले, इनके इर्द गिर्द भुनाया गया। पहले कहा बत्तीलाल के पास कहां से पेपर आया, फिर वो उसका नाम दे दिया भजनलाल, भजनलाल के पास कहां से पेपर आया। जब तक भजनलाल जैसे गुर्गे नहीं पकड़े जाए, क्योंकि भजनलाल के जहां पे भजन किए हैं वो कोई ना कोई लाल बत्ती वाला है, तब तक उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा ले लिया जाए या उनको एक बार सस्पेंड कर दिया जाए, तब तक इस पे निष्पक्ष जांच ना हो सके। आप लोगों को पता है दोस्तों, सरकार की बिना सह पे इस प्रकार के कार्य नहीं संपादित हो सकते। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस प्रकार से किरोड़ी बाबा जी ने आरोप लगाए बोर्ड अध्यक्ष पे, उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने कोई पीसी नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं की, आप लोग स्पष्ट तौर से समझ रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे तो बोर्ड अध्यक्ष है, जेईएन का एग्जाम किसने करवाया, एसआई भर्ती किसने करवाई, अलग अलग बोर्ड अध्यक्ष भी मोहरे हैं, किस राजनीतिक व्यक्ति की सह है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। वो राजनीतिक व्यक्ति कोई और नहीं है, मंत्री परिषद का ही हिस्सा हो सकता है, वरना इतने बड़े स्तर पे इतना बड़े काम नहीं हो सकते। पहले बात आती है कि 8:30 बजे पेपर मिला, 16 पेपर, फिर मिलता है 3:30 बजे, मिल गया 3 बजे, मिल गया, फिर आता है एक दिन पहले मिल गया, और मैं कहता हूं अगर तह तक जाएगी तो पता चल जाएगा जब पेपर छपे थे तभी आउट हो गए थे। कल दोस्तों सीबीआई जांच नहीं होगी, एक सरकार ने एक पप्पू को तैयार कर दिया है जो अलग प्रकार का ड्रामा रचता है, आप लोगों को गुमराह करता है, मीडिया में माहौल बनाता है और फिर अलग अलग प्रकार की बात करता है, और ये बोलता है सीबीआई वाले लड़के ही नहीं आए, नहीं आते तो फिर उनका जिक्र मत कर, गुमराह मत कर, कह दे बस मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनको क्या है, बोर्ड का कोई अध्यक्ष बनने का लालच मिल गया साहब को, तो ये सरकार की तरफ से नाटक रोज ड्रामे शुरू कर देते हैं। बाहरी राज्यों का कोटा को लेकर सरकार बोल रही थी लेकिन नहीं हो रहा, सिर्फ वोट चाहिए इनको, अगर वोट चाहिए, वोट लेने हैं तो सीबीआई जांच करवाए। ठंडेरे की बिल्ली कहां, देखते हैं सीबीआई से डरती है नहीं डरती है, खुड़के किसे तो नहीं डरती होगी। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके एमएलए की भी हो सकती है, आपके पास 200 एमएलए है, आप जयपुर नहीं आ सकते, कोर्ट में क्या हुआ वो बात सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोर्ट के सरकार की तरफ से ऐसी याचिका ही लगवा दी जा सकती है जो डमी हो, जिसमें ड्राफ्टिंग ही ना हो, जिस प्रकार से पहले भी हुआ है। कोर्ट, कई लोग जैसे कुलदीप जी इस चीज को लीड कर रहे हैं, कुलदीप जी वगैरह, तो कुलदीप जी ने मुझे बताया था कि भाई साहब कोर्ट में तो हम बहुत कमजोर है,
सबूत है फिर भी कमजोर है, अजीब विडंबना है। क्या न्यायालय को पट्टी बांध ली है, न्याय नहीं कर रहा है? उन्होंने कहा हम जोधपुर जाने की सोच रहे हैं, जोधपुर में याचिका 27 को होंगी सुनवाई, लेकिन जोधपुर जाने की सोच रहे हैं, उनकी टीम काम करे तो आप उनके साथ जुड़ो। दोस्तों जितने भी सबूत है कुलदीप जी बेनीवाल को जरूर दे, उनकी टीम को दे। हम मैंने भी एक बड़ी बात, आप 200 एमएलए के, आप अपने एमएलए को फोन करो, एक महाअभियान चलाओ 200 एमएलए को 26 से 31 के बीच में, 26 से 31 के बीच में किसी भी एमएलए को ये बोलो कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखे, अपना पत्र लिखे, एक एमएलए, एक महाअभियान चलाओ ज्ञापन का, और सभी 26 से पहले सभी अपने एमएलए को कॉल करें 26 को, 26 से 31 के बीच में जो एमएलए सीएम को पत्र लिखेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर जो नहीं लिखेगा हम मानेंगे उसकी मौन स्वीकृति है पेपर आउट में, या सीबीआई जांच के वो खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उसको खुद को दिक्कत हो सकती है। झूठे को आंच है इसीलिए नहीं होती है सीबीआई जांच। ये राजस्थान है, इस बात को सब समझ रहे हैं, और कौन सा राजस्थान है इस बात को भी आप समझ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, 1 तारीख को अगर कोई भी एमएलए नहीं लिखता है सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र, किसी को एमएलए के नंबर नहीं है तो मैं दूंगा, तो हम उनके नाम सार्वजनिक करेंगे अपने पेज पे कि इस एमएलए को इश्यूज है। आप सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, और ध्यान करें जो व्यक्ति सीबीआई जांच के खिलाफ है उसकी भी जांच करे, जो कमेंट करता है उल्टा पुल्टा, जो भी किस प्रकार की बार बात बोलता है ना, उस व्यक्ति के एफबी के जितने भी लोग हैं उसके मैसेंजर में घुस जाओ, उसके फ्रेंड मैचुअल जितने फ्रेंड में है उसको सबको भेज दो कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, इसने पेपर में गड़बड़ी की है, जो यहां पर मेरे पे कमेंट भी करे ना, आप उसके मैसेंजर में घुस जाओ, आप समझ लो उसने भी गड़बड़ी की होगी, वरना उसको उसके मरोड़े इसलिए चल रहे हैं कि कहीं रुपए लग गए हैं और लग गए हैं, इस बात को भी समझना। देखो एकजुट होना जरूरी है, और जितने भी युवा साथी आपको ट्विटर पे एक्टिव होना पड़ेगा, मैं इस लाइव के ऊपर आपको ट्विटर का लिंक दिया हुआ है मेरे पे फेसबुक पेज पे, आप सभी लोग खोल लो, आप सभी लोग ट्विटर से जुड़े और इस बात को समझे, बिना सीबीआई जांच चाहे कितने भी पद आ जाए, चाहे कितने भी नंबर ले आए, कंपटीशन पेपर लेने वालों के बीच में आप समझ जाओ, इतने प्रूफ मिल चुके हैं। आगे मैं हाँ बीएड बीएससी को बोलूंगा दोस्तों, बीएड बीएससी को बोलूंगा, अरे बीएड बीएससी पे क्या बोलना है दोस्तों, एक प्रायोजित तरीके का एक आंदोलन करवा रखा है, सुनने में आ रहा है कि उनके नेता के पास बीएससी की डिग्री नहीं है, और ये न्यूज सरकार के पास भी है, जो बीएससी का नेता बना फिर रहा है, अरे दीपक जी आगे क्या, जो बीएससी का नेता बन के उनका नेतृत्व कर रहा है उससे डिग्री मांगो बीएससी वालों, क्योंकि सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है, आपको कोई बाहर नहीं कर रहा है, आप कंपटीशन में लड़ रहे हैं, और एक तो आपका पहले नेता बना था पप्पू कुछ समय के लिए, कह रहा था हिंदुस्तान की कोई ताकत बीएड वालों को शामिल नहीं करवा सकती, अब वो अपने धरने में आपकी शक्ति आपको लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग उसके पीछे आ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को बिठा दिया गुमराह कर दिया, तो वो पप्पू से भी आप बीएसटीसी की डिग्री मांगो, वो भी बीएसटीसी धारी है पप्पू, उससे भी डिग्री मांगो और पता चले आपको असली नाम क्या है उसका पप्पू का, ठीक है। और दूसरा जो नया आपका जो नेता बन रहा है उस बंदे के पास भी बीएसटीसी की डिग्री है तो आप पता करो, वो सिर्फ आप वो सिर्फ नेतागिरी करना है। अब जो व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए है क्या वो इतना ही नहीं कर सकते कि एक अपने एमएलए से
सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखवा सकते। अकेला असलम चौकदार क्या कर लेगा, अकेला ईरा बोस क्या कर लेगा, अकेला कीरोड़ी बाबा क्या कर लेगा? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फेसबुक में लाइव आ जाता हूं, आप कहते संघर्ष करो, ये वाह भाई आप बहुत अच्छे हो, ये फलाना ढिकन पूछ, ये लिखना बंद करे। आप अपने एमएलए को फोन मिलाए, अपने एमएलए को फोन मिलाए और उनसे सवाल करे कि आपको लगता है, और रिकॉर्डिंग ऑन करे, उनको कहो आपका कॉल ऑन रिकॉर्ड है, आप सच सच बोले। वो ये बोलेगा कि हां गड़बड़ तो हुई है, तो लिखो फिर पत्र, अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो उनको सबूत भेजो कि भाई, और 10-10 बंदों की टीम बनाओ, अपने एमएलए को टिका दो, फोन टिका दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वोट मांगने आया था ना, अब आपको अपने हक की आवाज के लिए उसको